गाइजर आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर गाइजर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि गाइजर आज की जो वीडियो है वो सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि गाइजर आप देख सकते हो कि गाइजर यहाँ पर अपने पास है एक खाली बोतल। तो ओके गाइजर, इस खाली बोतल के अंदर हम सबसे पहले तो डाल देते हैं कास्टिक सोडा, और गाइजर आप देख सकते हो कि ये है कास्टिक सोडा। तो ओके गाइज, कुछ मात्रा में कास्टिक सोडा इस बोतल के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले हम इस बोतल की कैप को कुछ इस तरीके से खोल लेते हैं। तो ओके गाइज, इस बोतल की कैप को खोलने के बाद कुछ इस तरीके से इसके अंदर कुछ मात्रा में कास्टिक सोडा डाल देते हैं। तो ओके गाइज, बस इतना कास्टिक सोडा इसके अंदर काफी। अब डाल देते हैं इसके अंदर कुछ मात्रा में एलुमिनियम। तो गाइज आप देख सकते हो ये एलुमिनियम फॉइल, जो कि गाइजर किसी भी शॉप पर ये आपको आसानी से मिल जाएगी। तो ओके गाइज, कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। तो ओके गाइजर, इतने एलुमिनियम डालने के बाद हमें सिंपली गाइजर इसके अंदर कुछ मात्रा में क्लीन वाटर डालना होगा, और आप देख सकते हो गाइजर ये है एक क्लीन। तो ओके गाइजर, सबसे कमाल की बात ये है कि गाइजर इस बोतल के अंदर गाइजर हमें कास्टिक सोडा में एलुमिनियम में वाटर को डाल देते, इसके अंदर कमाल की हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। और गाइजर आज की इस वीडियो में गाइजर हम इसी हाइड्रोजन गैस का वेपर प्रेशर टेस्ट करने वाले, यानी कि गाइजर आइडिया ये है कि सिंपली गाइजर इस बोतल के अंदर जैसे हाइड्रोजन गैस जनरेट होगी तो हम गाइजर सिंपली इस बोतल की कैप को कुछ इस तरीके से लगा देंगे, और फिर गाइजर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम हाइड्रोजन गैस के वेपर प्रेशर को इस बोतल के अंदर स्टोर रख सकते हैं या फिर नहीं। गाइजर ये प्रयोग सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, लेकिन गाइजर आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी बटन को दबाना मत भूलिएगा। तो कि गाइजर इस बोतल को कुछ समय के लिए यहां पर रख देते हैं ताकि इसके अंदर गैस जनरेट होना शुरू हो जाए। तो राइट गाइजर, आप सच में देख सकते हो जैसे इसके अंदर कमाल के तरीके से बबल्स जनरेट हो रहे, और गाइजर इसी बबल्स के प्रयोग से गाइजर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिस्टोर हो रही। और गाइजर अब देखते हैं कि ये बोतल कितनी देर के अंदर एक्सप्लोसिव हो पाएगी या फिर वो। गाइजर आप सच में देख सकते हो बोतल अपने आप ही फूलने लगी, क्योंकि गाइजर इसके अंदर अब हाइड्रोजन गैस भरना शुरू हो चुकी। तो ओके गाइजर, हम इससे दूर चले जाते हैं क्योंकि गाइजर ये अपने स्वास्थ्य के लिए डेंजरस भी साबित हो सकती है। Oh my God! गाइज आप सच में देख सकते हो गाइज जो बोतल है गाइज वो नीचे से फट चुकी है। ओ माय गॉड गाइज, सच में काफी ज्यादा गर्म हो चुकी है गाइज। इसका मतलब ये है कि गाइज हम इस बोतल के अंदर इस हाइड्रोजन गैस को रिस्टोर नहीं रख सकते। आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर कुछ इस तरीके से कितनी खतरनाक तरीके से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ओ माय गॉड गाइजर, आप देख सकते हो इसकी जो रिएक्शन है वो कितनी खतरनाक हो रही है। ओ माय गॉड, तो गाइजर ये प्रयोग सच में कमाल का। लेकिन गाइजर आप लोगों को मैं ये प्रयोग कहीं पर भी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि गाइजर ये हाइड्रोजन गैस हाईली फ्लेमेबल होती है और ये अपने स्वास्थ्य के लिए डेंजरस भी साबित हो सकती है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहीं पर भी करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं देना। लेकिन गाइजर अगर आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी इन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।